मसूरी में तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा छात्रों को फौज में भर्ती होने की किया प्रेरित। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा मसूरी MPG कॉलेज के बुरास सभागार में कार्यशाली आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के इतिहास के साथ में फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया गया। तो ये हमने मोटिवेशन बच्चों को मोटिवेशन करने आए थे, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य से कि बच्चों कैसे अपना प्रथम प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी आर्म्ड फोर्सेस में देंगे और आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने में उनका क्या क्या बेनिफिट्स हैं और उनके शिक्षा स्तर कैसे बढ़ाया जाता है, उनका प्रमोशन कैसे होता है, उनका हेल्थ कैसे मतलब ध्यान रखा जाता है फोर्स की तरफ से और उनको फिटनेस कैसे रखते हैं और उनके कैरियर जो पर्सनल एक्टिविटीज़ है जैसे कि मतलब कि हमारा स्पोर्ट्स में है या फायरिंग में हो, किसी में भी यदि बच्चा कोई टॉप रहता है उसमें तो कॉलेज करियर से लेकर भर्ती होने के बाद उसको हमें आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि हमारा नेशनल इंटरनेशनल लेवल कई हम मेडल भी जीत चुके हैं, इस बारे में जिमनासियम में जीत चुके हैं, IT पिला रखा है। तो इस प्रकार हमने बच्चों को मोटिवेशन स्पीच था कि आप हमेशा प्रायोरिटी दिए भारत माता की सेवा के लिए, आप हमेशा एक नंबर पे अपना चॉइस रखिए ताकि हम भारत माता को वर्दी पहनकर सेवा कर सकते हैं। वैसे तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेकर भी कर सकते हैं लेकिन वर्दी पहनकर हमें भारत माता की सेवा करना है, अपना देश का जो सुरक्षा देना है वो हमें इस बारे में हमने मोटिवेशन दिया।